वेलकम जी, लेट्स स्टार्ट। अगर हम अपने निफ्टी इंडेक्स मार्केट को आप ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं कि आज भी कह सकते हैं कि लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन भी निफ्टी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई और आज ये 85 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखी। मार्केट जैसे ओपन होती है अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही ओपन होती है, वहाँ से सडनली मार्केट में गिरावट होती है और उसी जोन में पूरे दिन मार्केट एक गिरावट के ही ट्रेंड में एक सेम फेज में ट्रेड करती है और फाइनली मार्केट क्लोज होते होते 85 पॉइंट की गिरावट के साथ मार्केट क्लोज होती है। अगर इसको हम डेली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो आप चेक करेंगे इसमें लगातार ट्रेडिंग सेशन 1, ट्रेडिंग सेशन 2, ट्रेडिंग सेशन 3 से इसमें गिरावट जारी है। तो थोड़ी अप एंड डाउन स्टिल, अगर एक मंथली वाइज देखें तो इस निफ्टी इंडेक्स का चार्ट पैटर्न ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी मार्केट में गिरावट का ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। सो ऐसे गिरावट के मार्केट में अगर हम आज के स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो इस कंपनी के अगर हम पिछले 5 साल के अगर चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो एक कंपनी पिछले 5 साल पहले ये 800 रुपये में ट्रेड कर रही थी, आप मान सकते हो कोविड के आसपास, कोविड से पहले को कह सकते हो, और यहाँ से कंपनी लगातार आप कह सकते हो कि अपवर्ड डायरेक्शंस में दी और 800 रुपये को बनाया उसने आपको 2500 रुपये का प्राइस, ये मात्र 5 साल में, मीन्स कि 800 रुपये के वैल्यू बन गई आपको 2500 रुपये की। अगर देखा जाए तो ये स्टॉक्स ने मैक्सिमम, आप देखो तो मैक्सिमम आपको लगाया था 2700-2800 के आसपास, आज 2700 का स्टॉक्स आपको 2500 में मिल रहा है। अगर इस कंपनी का लॉन्ग टर्म चाप चार्ट देखते हैं तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को, ये कंपनी लिस्ट होती है मात्र 3-4 रुपये के आसपास और ये 1999 2000 और उसके बाद पिछले 23-24 सालों में, 23 साल में देखो तो लगातार एक कंपनी स्लोली 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 अपवर्ड डायरेक्शंस में दिख रही है और इसने अगर टोटल परसेंटेज देखो लॉन्ग टर्म्स में जो 15-20 साल से इस कंपनी में रहा वो 58,000% का रिटर्न से भी ज़्यादा रिटर्न्स। अगर इस कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल नंबर देखें कि ये जो नंबर ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट कंपनी ने अपने स्टेक होल्डर को दिए तो क्या इस कंपनी फाइनेंशियल इसका क्या है। तो अगर हम कंपनी का सेल्स देखते हैं तो सेल्स देखे तो लगातार साल दर साल सेल्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले अगर साल बात करें कोविड में देखोगे तो इसमें 2019 में 19,000 का करोड़ था, 20 में 21,000 का, 21 में 21,000 करोड़ का, 28,000 करोड़ का, इस साल अभी तक 38,000 करोड़ का। सिमिलरली अगर नेट प्रॉफिट कंपनी की बात करें आफ्टर टैक्स वगैरह कटने के बाद स्टिल नेट प्रॉफिट 400 करोड़ से 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, फिर आप देखोगे इस कंपनी में उसके बाद 18 में 1000 करोड़, 1300 करोड़, 1400, और जो कोविड था उसमें इसका डाउन हो करके 1400 करोड़ हो गया था 900 करोड़, मैंने कोविड में इसका इम्पैक्ट देखा और उसके बाद अगेन देखो गया था आप 14 से भी ज़्यादा, अब 2100 करोड़ और इस साल के अब तक आपको 30 कह सकते हो, 3000 करोड़ के बाद 3000 करोड़ के आसपास इनके नेट प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियली नंबर साल दर साल इस कंपनी का ग्रोथ है और क्या कंपनी के पास बैलेंस शीट में कर्जे और लोन क्या है, आप देखो 2013 में देखो तो कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं हुआ करता था लेकिन आज के डेट में कंपनी में डेट देखोगे तो 7000 करोड़ का इनके पास कंपनी का डेट है, कर्जा है। लेकिन अगर इसी को कंपेयर करें इनके पास रिजर्व कितने हैं तो कंपनी साल दर साल लगातार अपने रिजर्व को बढ़ा रही है और आप देखोगे आज की डेट में कंपनी के पास 10,000 करोड़ का रिजर्व है। अगर 10,000 करोड़ का रिजर्व है तो जब चाहे कंपनी अपने कर्जे को ये उतार सकती है। तो कंपनी का कर्ज रिजर्व्स और जो उधारी का कर्ज बैलेंस बैलेंस है, मीन्स जब कंपनी आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा कर्ज में नहीं। अगर इस कंपनी की अगर हम डेली चार्ट को देखें तो आप चेक करोगे जून जुलाई में स्टॉक से काफ़ी नीचे गिर करके आपको आ गया था
आप देखोगे तो 1800 के आसपास आ गया था, 1800 का, और 1800 फिर ये वापस इसीलिए 2700 रुपये में गया, और 2700 फिर गिरावट होकर के ये आपको 2200 में आया, 2200 से वापस से गिर के 2500 में गया। तो इससे से स्टॉक्स में अभी भी शॉर्ट टर्म में भी देखें तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि इसमें से ये अपवर्ड डायरेक्शन जरूर जाएगा स्टॉक्स, तो शॉर्ट टर्म में भी आराम से 10 से 15% का प्रॉफिट हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म में है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। अगर इस स्टॉक्स की बात करें तो कंपनी का नाम हमें टाइटन्स, टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाइटन कंपनी लिमिटेड, और ये टाटा ग्रुप कह सकते हो कि आपका टाटा ग्रुप की कम से कम हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड मल्टीपल कंपनियां हैं उसमें से ये एक कह सकते हो क्वालिटी बेस्ड स्टॉक्स है। अगर हम इसका अगर बात करें तो कंपनी का जो मेजर, इस टाटा ग्रुप के कंपनी का जो मेजर वर्क्स है वो आप देखोगे तो ज्वेलरी, वॉचेज एंड प्रीसीशियस मेटल है। अच्छी बात है, एक लार्ज कैप का स्टॉक्स है और ये लो रिस्की स्टॉक्स है, मीन्स कि स्लोली स्लोली देखिए स्लोली 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 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म्स के लिए लो रिस्की स्टॉक्स, लार्ज कैप का स्टॉक्स, और इसके अगर स्कोर कार्ड के भी आप चेक करोगे तो परफॉर्मेंस कंपनी का एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ भी एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट की बात करें तो स्टॉक्स को कोई ओवरबॉट जोन में नहीं है और कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। तो अगर इस कंपनी के टाइटन के अगर डिटेल बिजनेस को भी चेक करोगे तो ये कंपनी कोई आज की इस पुरानी कंपनी नहीं है। ये आप देखोगे तो ये आप चेक करोगे तो ये 1984 में कंपनी स्टार्ट हुई है, ज्वाइंट वेंचर बिटवीन टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TIDC, इन दोनों से स्टार्ट हुआ और उसके बाद टाटा ने हुआ। और इस कंपनी के जो मेजर्स वर्क्स हैं वो लीडरशिप इन पोजिशन, ये लीडरशिप है ना, ये वॉचेज में, ज्वेलरी में एंड आईवीएस में भी। तो ये इनके में इसकी सिर्फ एक ही काम नहीं, मल्टीपल्स आप कह सकते हो, ये कंपनी ने अपने लाइफ स्टाइल्स कंपनी का कह सकते बन सकती है। और भी उसने अगर इस कंपनी का डिटेल वेबसाइट पे अगर आप चेक करोगे तो आप पाओगे इस कंपनी में सिर्फ वॉच के अलावा भी मल्टीपल बिजनेस में लोग काम करते हैं। अगर इस टाइटन ग्रुप की, अगर इस कंपनी की बात करो तो आप चेक करोगे, आप ये मेजरली स्टार्ट हुआ था आपका टाइटन वॉच, जो हम नाम जानते हैं टाइटन वॉच के नाम से, लेकिन अब वॉच में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी अगर बात करोगे, अगर अगर इस तरह से अगर वॉच कैटेगरी की बात करो तो एक वॉच एंड वियरेबल डिवीजन में इनके पास एक नहीं इतने सारे ब्रांड्स हैं। आप टाइटन हो गया, टाइटन क्लॉक, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, जूप, ऑक्टा, सो ह्यूज लिस्ट इनके पास है इन वन कैटेगरी वॉचेज में बात करोगे तो। इसे आप देखो तो टाइटन वॉच हो गया, फास्ट ट्रैक्स हो गया, सोनाटा हो गया, ये जुप हो गया, आप चेक करोगे हमारे टाइटन क्लॉक हो गया, और इवन आप चेक करोगे तो ऑक्टेंस हो गया, इवन आप बात करें नेबुला हो गया, इवन SF हो गया जो स्टाइलिश हो गए, आप फ्रेग्रेंस हो गए, आप डिटेल इनका चेक कर पाओगे। इसी तरह से ये इनके आप डिटेल ब्रांड को इसमें हम चेक कर पाएंगे। और इसके अलावा दूसरा एक तो इनके कोर बिजनेस जो हमारा था ज्वेलरी वॉचेस का हो गया, सेकेंड इनके ज्वेलरी जैसे आप नाम करते हो तनिष हो गया, मियाँ हो गया, जोया एंड कैटेगरी, ये इनकी ज्वेलरी के बिजनेस हो गए। IVRL में टाइटन के I+ है, और इन्होंने न्यू बिजनेस आप देखोगे तो फ्रेगनेंस का बिजनेस हो गया, स्किन यार आप साड़ियों का बिजनेस हो गया, तेनीरिया, तो मीन्स कि अक्रॉस द जो हमारे हाई प्रोफाइल्स चीज़ें होती हैं उन्होंने इस कंपनी ने उस कस्टमर को उनके पास बात करते हैं। ये स्टाइलिश कस्ट अगर बात करें वाचिज इनके पास हो गए, या तनिष की बात हो गए, सारे वेरिएबल्स हमारे आजकल के शादियों के लिए जनरली पार्टी के लिए लोग डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरीज, तो ये कंपनी उसमें है। और ये कंपनी का तनिष की मीन्स के तकसद है ज्वेलरी, मतलब कि उसका ब्रांडेड नाम हो गया तनिष आप कह सकते हो, और ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, और हमारे कंट्रीज में ज्वेलरी से रिलेटेड आप सब सकते हैं जितनी शादी या मैरिज में इनका काफ़ी इम्पोक्ट, आजकल लोग ब्रांडेड चीज़ खरीदना चाहते हैं, और इसके वजह से तनिष ने अपना और ये बात अक्रॉस द सिटी नहीं सिर्फ हमारे इस इम्पोर्टेंट कंट्रीज में नहीं, अपने कंट्रीज में और अपने कंट्रीज के हर पार्ट में इन्होंने अपने ब्रांड को फैला रखा है। सो इस तरह से कह सकते हो टाइटेनिक नाम तो एक है लेकिन इन्होंने
मल्टीपल बिजनेस सेक्टर को कवर अप कर रखा है अपने ब्रांड से। और इन्होंने ब्रांड काफ़ी पिछले 30-40 सालों में कह सकते हो कि इन्होंने बना रखा है। और आदमी वॉचेस का मतलब टाइटन और ज्वेलरी का मतलब बाई डिफॉल्ट तनिष्क, इना ऐसा उनके एडवर्टाइज या हर तरह से इन्होंने। तो आप अगर इन फ्यूचर इन शॉर्ट अगर चेक करें तो ये कंपनी का जो बिजनेस ज्वेलरीज का और फ्रेगनेंस का है, ये आने वाले टाइम में और इनमें ये वर्क ग्रोथ दिख रहा है। तो दीज आर द थिंग्स विच अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी, इनके कंपनी के बिजनेस को डिटेल आउट आप चेक कर सकते हैं। अगर हम लेटेस्ट बात करें तो अभी आप चेक करोगे, ये अपडेट हुआ था कि इस कंपनी ने बोनस भी डिक्लेयर किया 1-to-1 का, और स्टॉक स्प्लिट की बात हुई है। अभी टाटा ग्रुप की कंपनी जो आपके मात्र 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को आप दोगे तो 12 करोड़ किया है मात्र इन्होंने 14 साल के अंदर में। अगर सारे उन्होंने कैलकुलेट कर लिया बोनस कितने मिले और स्टॉक स्प्लिट होने के बावजूद बात इस कंपनी के, अगर ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि अगर हम किसी स्टॉक्स में लंबे समय तक निवेश बने रहते हैं और क्वालिटी स्टॉक्स है, उसका बिजनेस आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल कंटिन्यू चलते रह सकते हैं, तो ऐसे कंपनी में आपके पैसे का मल्टी फोल्ड ग्रोथ होता है। आप चेक करते हो 1 लाख का 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बन गया है। तो आपको भी ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स, फ्यूचर स्टॉक्स लेने हैं जो कि आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल में कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ता रहे, और इससे वजह से आपके इन्वेस्टमेंट का भी मल्टी फोल्ड रिजल्ट आपको मिल सके। सो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।